अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोर सीज़न खाने। आज हम बना रहे हैं देसी घी की रेसिपी, जिसको आप घर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही साफ शफाफ तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हमने बलाई ली है जो हमने एक महीने में जमा की है। दूध को बॉयल करने के बाद जो बलाई आती है उसे निकाल के आपने फ्रीज कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। सबसे पहले हम एक डेगचे में बलाई डाल देंगे। हम मोटे पैंदे वाला बर्तन, कढ़ाई या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेना है आपने। अगर आप पतले पैंदे वाला बर्तन यूज़ करेंगे तो उसमें मलाई जो है वो जल्दी ही जल जाएगी। मलाई मेल्ट होने तक आपने आँच मीडियम रखती है। जब मलाई मेल्ट हो जाए आपने आँच स्लो कर देनी है। मलाई मेल्ट हो चुकी है और आप इसमें चम्मच चलाती रहें, साइड से भी मलाई को उतारते रहें ताकि ये जले नहीं। मलाई थिक होने शुरू हो चुकी है और घी पे आना शुरू हो गया है। जैसे घी ऊपर आना शुरू हो जाए आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दें या फिर इसके अंदर आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे घी जल्दी और साफ शफाफ बनेगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इतना प्योर और देसी घी तैयार है। सबसे पहले आपने जिसमें घी निकाला है आप उसके ऊपर सूती कपड़ा और उसके ऊपर स्ट्रेनर रख दें। अब हम घी ठंडा करने के बाद इसको छान लेंगे। और अब आप घी को कपड़े से अच्छी तरह से इस तरह से निचोड़ लें। आप देख सकते हैं कि देसी घी कितना साफ शफाफ बना है। भी इस तरह से घर की बलाई से मेरे तरीके से बनाए हुए देसी घी को जरूर ट्राई करें।